गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। और एक बार फिर से स्वागत है मलिक फैमिली ब्लॉग में। और तुम्हारा भाई नहा चुका है और दिन बहुत सुहाना हो रहा है और बादल हो रहे हैं आज, जो कि मौसम के हिसाब से ठीक है, फसल के हिसाब से नुकसानदायक है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो पता नहीं क्या अच्छा है इसमें भी। लेकिन कुल मिला के गर्मी कम हो गई है और मौसम सुहाना हो गया है। काजोल अपना नाश्ते की प्रिपरेशन में लग चुकी है और आई थिंक कंप्लीट भी कर चुकी है। और निशांत स्कूल जा चुका है और मैं भी रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। सब काम खत्म हो गया है, मेरे कपड़े धुल रहे हैं बस। अच्छा, और आज काजोल ने नाश्ते में सुबह ही सुबह क्या बना दिया? ये है रागी की इडली और ये नारियल की चटनी, ये हरी चटनी। ये आज सुबह सुबह काजोल ने बना दिया था और यही यशांश स्कूल भी लेके गया है। क्योंकि तुम सुबह सुबह उठ के क्या क्या काम में लग जाती हो? हाँ, उसके साथ बेचैनी ये है। नहीं, ठीक है, स्कूल में अलग अलग चीजें देखता है ना वो, इसलिए यह बात। तो ये कर लेते हैं फिर हम नाश्ता, क्योंकि निकलना है ऑफिस के लिए। टाइम से निकल जाएंगे, टाइम से आ जाएंगे सब। कल हमारी गुड़िया रानी आ जाएगी। हाँ, कल हमारी छोटी गुड़िया आ जाएगी घर, फाइनली कल उसकी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। और वो कल वापस आ जाएगी। सलोन से और टाइम भी हो चुका है, हालांकि 1:30 बज चुके हैं, 2 बजे यशांश आ जाएगा। और मेन पहले तो मैं यही सोच के गई थी कि यहीं से यशांश को लेते हुए घर जाऊंगी, क्योंकि खाना मैंने सुबह ही बना ही लिया था। अभी बैटर रखा हुआ है, देखती हूँ, वो डोसा खाएगा तो डोसा बना दूंगी और इडली खाएगा तो इडली दे दूंगी। तो लंच की तरफ से तो मैं फ्री ऑफ माइंड थी बिल्कुल, बट वहाँ पे कुछ स्मूदनिंग्स आ गई थी और जब केमिकल वर्क होता है तो मेरे से वो थोड़ा सा मुझे परेशान करता है, क्योंकि माइग्रेन वालों को कोई भी फ्रेग्रेंस होती है वो किसी भी वे में हो वो परेशान करती ही है। तो मुझे वो चढ़ने लगी थी, हल्का हल्का सिर में दर्द होने लगा था। मैंने सोचा पूरा दर्द होने से पहले यहाँ से भैया कट लिया जाए, नहीं तो हो जाएंगे परेशान और फिर दवाई खानी पड़ेगी। तो उसी चक्कर में आ गई और घर आते आते मुझे बच चुका है 1:30। खाने की तरफ से मैं फ्री हूँ, 2 बजे शाम जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा तो उसको लेने मैं चली जाऊँगी गेट पे। पहले तो कह रहा था कि आपको नहीं आना है, फिर उसके पापा का फ़ोन आया कि वो कह रहा था आना है। मैं कहा चलो ठीक है, चली जाऊँगी। और कपड़े वगैरह मैं धो के गई थी, सारे काम ख़त्म करके गई थी। मैंने कहा सैलून पे बैठना स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया निकम्मापन, यशांश घर में था इस चक्कर में मैं जा नहीं पाती थी। और आज से मैं अपना सैलून जाना कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि हालांकि मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है बट फिर भी कई बार होता है कि वो लोग बिजी होते हैं तो वहाँ पे कोई चाहिए होता है कस्टमर की काउंसलिंग करने के लिए कह सकते हो। तो आज से वही चीज़ स्टार्ट हो गई है। तो चलो जी, अब मैं आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ और यशांश आ जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा, फिर उसको लेने जाएंगे। तो हेलो गाइस, मैं स्कूल से आ चुका हूँ और स्कूल से आने बाद माँ ने पूछा भूख लग रही है क्या। मैंने कहा ज़रूर भूख तो लगी रही है इस समय, क्योंकि आज माँ ने इडली बहुत बढ़िया बना रखी है, बहुत टेस्टी। तो माँ ने मुझे माँ ने कहा कि सांभर भी है और वाइट चटनी भी है। मैंने कहा ठीक है तो फिर दे दो। तो जी ये रहा मेरा खाना, वाइट चटनी, इडली, इडली सांभर।
और इतना टेस्टी बनाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ा ही आ गया आज तो, है माँ? और ये क्या कर रखा है आपने, क्यों भर रखी है ऐसे ये? अच्छा सुंदर लग रही है। दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑफिस से घर, और घर आने के बाद देखा तो काजोल को जाना था सलून पे, सलून वो मुझे नीचे मिल गई, मैं उनको वहाँ पे छोड़ आया सलून पे। तो मैं सारे दिन से सलून पे थी, और आज काजोल पूरा दिन सलून पे नहीं है, और काफी टाइम के बाद ऐसा हुआ। रूटीन चेंज कर लिया, अब मैं अपने कर्म भूमि पे बैठा करूंगी। मतलब आप डेली रूटीन अपना फॉलो करने लगे हो, पहले ऐसे ही करती थी ना? हाँ। और काजोल ने मंगवाया है कुछ स्पेशल, ट्राइपॉड मंगाया है मैंने, ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। मतलब तीनों ही है, मतलब दोनों ही है, सॉरी। अय्या बढ़िया है, यहाँ इसमें ऐसे करके फोन लग जाएगा। अच्छा। यहाँ से ये टाइट हो जाएगा, जिस भी एंगल पे आपको करना हो इसे इधर ढीला करो। अच्छा। इसको करके इसे यहाँ से टाइट कर दो, यहाँ से हो जाता है। और अगर आपको इसको रखना है स्टैंड पे, तो आप इसे चलो ऐसे रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में ये चीज़ है, आप इसमें ऐसे करके फ़ोन आएगा, कितना भी चौड़ा करके आप लगा लो, यहाँ ये दोनों इसके होके इसमें लग जाएगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वीडियो बनाने में, कि गाड़ी वगैरह में जैसे अंधेरे में होते थे, तो फेस के लिए हमें दूसरे फ़ोन की लाइट ऑन करनी पड़ती थी। अब ये चीज़ अच्छा, इसमें लाइट भी है, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये अब आपके फेस पे, जैसे आप यहाँ पे बना रहे होंगे तो फेस के ऊपर आए, है ना? तो कैसा लगा आपको? बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, इसकी ज़रूरत भी थी। मुझे एक चीज़ याद आ गई, जो पुराने बच्चे होते थे, मतलब बोलते नहीं थे कि हम अपने टाइम पे ऐसे पढ़ते थे, लाइट चली जाती थी तो ऐसे पढ़ते थे, ऐसे खोल के इसकी लाइट जला, हम लैंप में पढ़ते थे, लैंप में। क्यों? लैंप था उस समय, हमारे गांव में लाइट नहीं थी, पता है कितने साल? 11 साल बाद हमारे गांव में, 11 साल तक मतलब थी नहीं, आती भी नहीं थी कभी, 2 मिनट को 3 मिनट को है, जब तार ही नहीं थे लाइट कहां आती, बिना लाइट हम सिर्फ लैंप में पढ़ते थे, हाथ वाला पंखा होता था, चौक में सोते थे और पिताजी पढ़ाते थे लैंप में, और अगर कई बार नींद आ रही होती थी, रोशनी कम होती थी, तो फिर पिटते थे, सो रही है पढ़ेगी ना उठ के, चलो इसे ट्राई तो कर लो एक बार, और तुम्हें सारी फैसिलिटी है, समझे? चलो इसे ट्राई तो कर लो, चलो भाई ट्राई करो इसे। माँ कैसा है भाई ये ट्राईपॉड, बढ़िया है ना? हाँ बढ़िया, बताओ बताओ। बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा है पापा, आपको भी बढ़िया ही लगा होगा? लेकिन अभी आदत नहीं है, तो थोड़े से दिन लगेंगे आदत को इक्विप करने में, तो हो जाएगा टाइम टू टाइम इक्विप आदत भी।